अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गुलनाज कुजीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में आपके लिए बन रहे हैं रमज़ान स्पेशल गर्मा गर्म समोसे और उनके साथ ही गर्मा गर्म चटनियाँ। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी में जो है मैं आपको बड़े समोसे और उनकी फिलिंग और उसकी डो जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, और साथ में जो है समोसों के साथ जो हम वो लाल चटनी और चनों वाले जो उसके साथ चने मिलते हैं वो, और साथ में दही का रायता, ये तीनों बनाने सिखाएंगे आज हम आपको। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, अब सबसे पहले हम जो है अपनी डो तैयार करने लगे हैं बड़े समोसों के लिए, और जिसके लिए हमें सबसे पहले जो हमने 3 प्याली मैदा लिया है व्यूअर्स, ये प्याली मैंने ली है, ये तकरीबन आप कह लें कि 1 पाव के करीब है ये प्याली, और ये 3 प्यालियाँ मैंने भर के इसमें ऐड की हैं। तकरीबन ये 700 ग्राम मैदा है जिसमें हमने, ये देखिए व्यूअर्स, भरी नहीं है, तकरीबन क्वार्टर रखी है ये प्याली भर कर हमने, यानी कि हाफ से ज़्यादा 3 हिस्से जो है ना हमने इसमें घी ऐड करना है। व्यूअर्स, इन समोसों की डो में जो है वो घी डलता है, ऑयल नहीं आप डालिएगा, घी का टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें ज़रूरी भी है। और मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून जो है मैंने अजवाइन ली है, और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। देखिए व्यूअर्स, अभी हमने पानी ऐड नहीं करना, इसको ड्राई हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। व्यूअर्स ये देखिए, इसमें ये जो हम बड़े समोसे बना रहे हैं अपनी रेसिपी में आज की, इसमें जो है वो घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तभी जो है वो इतने जो है ना क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमारी वीडियो जो है वो पूरी आप देखिएगा एंड तक, जिसमें हम अपने आज समोसों के साथ समोसों की चटनियाँ, जिनके बगैर समोसे अधूरे होते हैं, सब बनाएंगे। रमज़ान है तो रमज़ान, आपको पता है कि रमज़ान में जब तक समोसे ना हो तब तक जो है वो इफ्तार का मज़ा नहीं आता। समोसे छोटे बड़े सब खाते हैं शौक से। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये देखिए, ये लुक आनी चाहिए जब हम इसको प्रेस करें, तो ये देखिए इस तरह ये जॉइंट होना चाहिए, बाइंड होना चाहिए। ओके चलिए, अब इसमें अच्छा व्यूअर्स, इसकी डो जो है वो फुल टाइट होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, इसकी हार्ड किस्म की हमने डो इसकी जो है वो गूंदनी है। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा, वन प्याली के करीब मैंने इसमें अभी पानी ऐड किया है। अब हम देखते हैं इसमें और कितना पानी डलेगा, पहले हम इसको हार्ड फॉर्म में ले आए। व्यूअर्स ये देखिए, माशाल्लाह डो हमारी गूंद ली है मैंने। अब इसको जो है ना हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ी देर रख देते हैं, हल्का सा वेट जो है वो, हल्का सा वेट रुमाल ढक दिया हमने इसको, अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं और अपने दूसरे काम की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने आलू बस अपने समोसों की फिलिंग के लिए जो है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब आलू ले लिए थे, उनको बॉईल करके पील कर लिया मैंने, और अब हम जो अपने समोसों की फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ऐड करते हैं 1 अदद मैंने बड़ी सब्ज़ मिर्च बारीक जो है वो कट कर ली थी, वो ऐड कर दें इसमें, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून कर लें, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जो है वो सूखा धनिया है, साबुत सूखा धनिया, ये इन चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है आलू की फिलिंग में, ये हमने ऐड कर दिया। और व्यूअर्स, ये 1 टेबल स्पून के करीब सूखी मेथी है, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं हम, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, और 1 टीस्पून जो है वो कुटी लाल मिर्च है, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद है 1 टीस्पून मैंने जो है वो सिर्फ पिसी लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला का इस्तेमाल किया है, और 1 टेबलस्पून जो है वो नमक है, लेकिन व्यूअर्स नमक जो है हमेशा अपने मुताबिक ही होता है, आप लोग अपने मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं,
चख लीजिएगा, अगर आपको अपने मुताबिक जो है वो कमी बेशी कुछ करना हुई तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने मुताबिक जो है वो ये क्वांटिटीज़ बिल्कुल ठीक लगी हैं। और अभी इन आलूओं को जो है हम थोड़ा सा मैश करते हैं। और व्यूवर्स, जो हम बड़े समोसे बनाते हैं ना, इसमें जो पोटैटोज मैश करते हैं वो थोड़े मोटे मोटे मैश करते हैं, बिल्कुल बारीक फुल मैश नहीं करते इसको। ये देखें व्यूवर्स, ये देखें हमने इस तरह मोटे मोटे जो है वो फोड़ लेने हैं। मसाले व्यूवर्स, फिर कह रही हूँ जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो चीज़ें लाजमी सारी ऐड कीजिएगा, लेकिन कमी बेशी आप लोग अपने मुताबिक कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये हमारा जो समोसों की फिलिंग तैयार हो गई है ज़बरदस्त तरीके से। रमज़ान में आपको पता है रोज़ों समोसों के बगैर जो है वो अफ्तार का मज़ा नहीं आता। समोसे बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि समोसों के बगैर जो है रमज़ान बड़ा फीका फीका सा लगता है। ये व्यूवर्स, ये हमारी फिल्म तैयार हो गई है। समोसे ऐसी चीज़ है जो छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। व्यूवर्स, अपने फैमिली को जो है वो कोशिश किया करें कि घर पे बना के दिया करें। हर चीज़ बाजारी जो है मार्केट से ली हुई चीज़ें हाइजीन नहीं होती। ये हमारी फिलिंग ओके हो गई है, देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, खूबसूरत कलर है, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। बस अब एक चीज़ की कमी है, वो है इसमें हमने अभी प्याज ऐड करनी है। देखें व्यूवर्स, मैंने चॉप की हुई है प्याज। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई शेप ले सकते हैं, लेकिन चॉप ज़्यादा बेटर होती है। इतना फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रफली चॉप भी कर सकते हैं आप। इट्स डन व्यूवर्स, ये मैंने एक कप चने लिए हैं जिसको रात भर जो है वो पानी में भिगो दिया था, और हाफ टी स्पून जो है मैंने इसमें मीठा सोडा भी डाल दिया था। और अब जो है वो हम सफ़ेद चने की जो बड़े समोसों के साथ मज़ेदार सी चटनी होती है, चने बने होते हैं, वो हम तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं अपने चने। ये व्यूवर्स, मैंने सारे चने ऐड कर दिए हैं इसमें, और अब हम इसमें मज़ीद जो है वो एक दो तीन और ये चार ग्लास पानी मैंने डाल के जो है अब इसको पकने के लिए रख दें। इसको तकरीबन 30-40 मिनट्स लग जाएंगे। इस चनों को हमने बिल्कुल फुल गलाना है, जैसे हाथ में पकड़ के सॉफ्ट हो जाए ना, उतना हमने इसको गलाना है। इसको पकना रख देते हैं, जैसे ही ये पकते हैं तो व्यूवर्स हम आपको दिखाते हैं कि आगे इसमें और क्या हम ऐड करेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखिए हमारे चने इस टाइम फुल तैयार हो गए हैं, फुल गल चुके हैं। देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर आके हमने जो है इसमें हाफ टी स्पून जो है वो नमक ऐड करना है, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करनी है, और व्यूवर्स ये देखिए हाफ टी स्पून के करीब जो है ना हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है, और इसको अब पकने देना हमने। लेकिन साथ साथ ये देखिए इस तरह हमने इसको मैश करते रहना, कुछ कुछ चने इसमें मैश होते जाएंगे और कुछ कुछ चने जो है ना इसमें साबित देंगे, तभी जाके ये थोड़े से जैसे हमारे समोसों के साथ चने मिलते हैं थिक थिक से, थोड़े से मैश मैश से, जिसको हम एक अपनी लाहौरी लैंग्वेज में जो है वो चिकट छोले भी कहते हैं, चिकट चने कहते हैं। व्यूवर्स आप कुछ भी कह लें, अब ये जैसे जैसे पकते रहेंगे वैसे वैसे जो है ना ये ठीक होते रहेंगे, और
देखिए व्यूअर्स, अब हम आ रहे हैं अपनी रेड चटनी की तैयारी की तरफ। चने हमारे तैयार हो रहे हैं और हम यहाँ पे अब रेड चटनी तैयार करने लगे हैं अपनी। आपको बताएं व्यूअर्स, समोसों के साथ जब तक चटनियाँ पूरी ना हो तब तक समोसे मज़ा भी पूरा नहीं देते। मैंने एक ग्लास के करीब पानी लिया है और उसमें मैंने एक प्याली जाना मैंने इमली का पल्प बना के रखा हुआ था, इमली का गूदा निकाला हुआ था, ये इसमें ऐड कर दें। साथ में हाफ टी स्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी व्यूअर्स कुटी लाल मिर्च है इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी हमने इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद भी बस इसमें मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे फूड कलर यूज़ करने लगी हूँ, जरदा रंग ये डल गया हमारा। अब इसे थोड़ी देर पकने देते हैं हम, एक से दो बॉल आने पर हम इसमें जो है वो व्यूअर्स, अब इसमें हम जो है वो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, अच्छे तरीके से उबल गई है ये। इसमें हमने जो है ना ये देखिए हाफ प्याली पानी लिया और उसमें 1 टीस्पून जो है ना हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स किया और इसमें डाल दिया हमने। इसको थोड़ा सा पकने दें व्यूअर्स, देखिएगा ये अभी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स अभी थोड़ा सा इसे मज़ीद पकाते हैं और इसमें हल्का सा 1 पिंच, ये देखिए व्यूअर्स जस्ट 1 पिंच हमने रेड फूड कलर इस्तेमाल किया। आपको पता है कि जब तक चटनी लाल नहीं होगी तब तक वो लाल समोसों वाली चटनी नहीं बनेगी। ये देखिए व्यूअर्स अब ये बन गई है हमारी समोसे की लाल चटनी। जी व्यूअर्स ये देखिए इसमें कितना अच्छा बाल आ रहा है और इसकी थिकनेस भी ज़बरदस्त हो रही है। अब यहाँ पे जो है ना हम इसमें ये 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें शुगर के ऐड किए, व्यूअर्स ये इसमें चीनी ऐड हो गई। ये देखिए व्यूअर्स ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बाज़ार जैसी चटनी है, बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की होगी। अब ये बहुत गरम गरम है इसलिए थोड़ी सी आपको देखने में पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे ये ठंडी होगी और थोड़ा सा टाइम गुजरेगा व्यूअर्स ये बिल्कुल थिकनेस में आ जाएगी, जैसे बिल्कुल बाजारी होती है सूप शेप में। तो व्यूअर्स ये हमारी डन हो गई व्यूअर्स। ये देखिए हमारे चने भी इस टाइम तैयार हैं, इस टाइम पर हमने आके ये देखें इतनी थिकनेस में आके हमने जो है वो इसी तरह से हाफ प्याली पानी लिया और उसमें 1 टीस्पून जो है ना हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें ऐड कर देना है। ये ज़रूरी है क्योंकि इससे ना कि गाढ़े गाढ़े लगते हैं थोड़े, वरना पानी अलग होता है, क्योंकि इसमें इन चनों में जो है वो घी नहीं डलता, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें ताकि जो है ना वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में आ जाए। एक उबाल आने पर जो है ना हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए मेरे पास हमारे चनों वाले समोसों वाले चने तैयार हो गए हैं बस। ये देखिए मैंने जो ये छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं अपनी डो के जो तैयार हुई थी, तकरीबन आधे घंटे का मैंने उसे रेस्ट किया था और मैंने सारे चनों ये इस साइज़ के देखिए छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। उस डो में मेरे तकरीबन ये 12 पेड़े बने हैं और 12 पेड़े का मतलब है व्यूअर्स 24 समोसे। तो माशाल्लाह पूरी फैमिली भर के सब खा सकते हैं और इतने कम बजट में जो है ना हम लोग इतने ज़्यादा समोसे तैयार कर लेंगे। और भी बस एक बात और है, अगर हम बजट को देखें तो अगर हमारा बजट बाज़ार जितना भी लग जाता है तो बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि अपने घर की बनी हुई साफ सुथरी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो आपको पता है कि हर हवाले से जो है बहुत बेहतर होता है और बहुत अच्छा होता है। चलिए हम जो है ना हमने जो है ना इसमें ड्राई आटा जो है ना नहीं लगाना, मैदा नहीं यूज़ करना, हमने इसको ऑलरेडी घी में गूंदा था, इतना घी डाला था इसमें कि
क्योंकि इसमें जो है ना ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इसको बेलन को भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, ऑयल लगा के मैंने साफ कर लिया है। तो अब हम इसको बेलते हैं और आपको बताते हैं कि हमने समोसे को किस तरह से तैयार करना है। व्यूअर्स आप भी इस तरीके से अपने घर में समोसे बनाएं तो खुद देखेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारी ये देखिए ये साइज़ की रोटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी हमने जो है वो मैदा नहीं, खुश्क मैदे का यूज़ नहीं किया हुआ, इसको बिल्कुल ऐसे ही हमने बेला है। अब हम दिखाते हैं आपको कि मैंने इसको समोसे को किस तरह से हमने बनाना है। इसको सेंटर से हाफ कट किया और ये देखिए ऐसे लिया हमने इसको। और रिवर्स ये मैंने मैदा लिया था कोली में, जिसको हमने ये देखें पतली पतली सी लही सी बना ली है हमने। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने यहाँ पे गीला मैदा लगाया, यहाँ पे लगाया और हमने इसको इस तरह से इसको यहाँ से प्रेस किया। और ये सारा प्रेस करने के बाद हमने इसको इस तरह से हाथ में लिया और ये ऐड हो गई हमारी फिलिंग। व्यूअर्स यहाँ पे अब हमने अपने आटा लगाया और इसको अच्छे तरीके से दबाना है बिल्कुल, ताकि ये घी में जाने के बाद खुले नहीं। तो ये देखें व्यूअर्स हमारा कितना ज़बरदस्त समोसा तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं अब सारे समोसे तैयार करती हूँ और फिर आपको जो है वो फ्राई करते हुए दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स फाइनली देखें मैंने तैयार कर लिए हैं सारे समोसे, माशाल्लाह ट्रे भर के समोसे बने हैं, सभी खूब खाएंगे। और थक भी गई हूँ एक्चुअली मैं अब, लेकिन चलें जी अब हमारा घी व्यूअर्स गर्म होना चाहिए और थोड़ा डीप भी होना चाहिए, यानी कि ऑयल खुले ऑयल में फ्राई करने हैं ये। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करने है इसमें एट अ टाइम में। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो रहे हैं फ्राई। चलें व्यूअर्स माशाल्लाह देखिए हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकालते हैं, ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। व्यूअर्स ये देखिए हमने फ्राई कर लिए हैं, फाइनल लुक है। ये हमारी रेड जो है वो चटनी है समोसों वाली, वो चने हैं और ये रायता है। इन तीनों का मिक्सचर करके जो है जब खाते हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। व्यूअर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आपको मेरी मज़ीद रेसिपीज़ जो है वो उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके अल्लाह हाफिज़।